हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू pride.com। एंड आज हम करेंगे पैथोलॉजी की कंप्लीट समरी इन जस्ट वन सिंगल टेबल। एंड एक और इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ, दैट इन अरुण कत्यान बुक इट वॉज गिवन अ वेरी इन वेरी डिटेल्ड मैनर एंड इन अ टेबुलर फॉर्म ऑलरेडी। सो मैंने कुछ नया नहीं किया, बट उस जो उसमें दिया गया है उसको मैं आपको इजिली समझा दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। और हम पैथोलॉजी को ये थर्ड वीडियो बना रहे हैं, और अगर आपने पहली दो वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा है, बिकॉज वो कंसेप्चुअल वीडियोस थी, ठीक है, तो वो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स क्लियर करेंगी और आपको सब्जेक्ट पे ग्रिप बनाएगी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और मैं ये भी बताऊंगी आप लोगों की कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं और कहाँ भी आपको फोकस करना है और कहाँ पे नहीं करना है। सो जस्ट लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं हम बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में। सो इसमें सबसे पहले आती है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो होती है उसको जेंथोमोनास सिट्राइकोस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है ब्लैक रोट ऑफ रूसीफर्स, जिसको जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस कॉज करता है। देन बीएलबी ऑफ राइस, बैक्टीरियल ई ब्लाइट ऑफ राइस इज ड्यू टू जेंथोमोनास ऑरेसी। सो ये आपको याद रखना है। देन इज एंगुलर लीफ स्पॉट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब इस चीज के ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना। नाउ एंगुलर लीफ स्पॉट का मतलब ब्लैक आर्म डिसीज भी होता है। अब जैसे क्वेश्चन में अब क्वेश्चन बना के दिखाती हूँ आपको, वो क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट नहीं होगा कि कौन कॉज करता है, ऐसे तुम कंफ्यूज नहीं होगे। वो आपको ये पूछेगा जैसे ब्लैक आर्म डिसीज इन कॉटन इज ड्यू टू, ऑप्शन में रहेगा बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड या फिर माइकोप्लाज्मा। तो वहां पे आपको बस बैक्टीरिया टिक करना है। लेकिन बच्चों को चलो ठीक है, कई ऐसा भी होता है, कईयों का जो दिमाग है वो इस तरह से चलता है, उनको जेंथोमनास याद होता है, दैट जेंथोमनास मालवेशियरियम जो है वो इस डिजीज को करता है। बट वहां पे आके ये भूल जाता है कि जेंथोमनास क्या था, वो बैक्टीरिया था या फंजाई था या नेमाटोड था। ऐसा नहीं है, आप रट्टा नहीं लगाना आप लोगों को। आपको पता है कि जेंथोमनास बैक्टीरिया होता है। अगर किसी को नहीं भी, कई बार होती है कंफ्यूजन, आई एग्री ऐसे हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम फंगल ज्यादा पढ़ते हैं ना पैथो में, हमें फंगल याद रहता है, बैक्टीरियल हमें नहीं याद रहता। तो ऐसे ही आपको एक तो जो डिफरेंट नेम्स है ना उसको याद करना है। अब जैसे बैक्टीरियल का लीव ब्लाइट ऑफ राइस, इसमें बैक्टीरियल ऑलरेडी वर्ड आ रहा है, ये तो पूछेगा नहीं कि वो बैक्टीरिया कॉज करता है कि कौन कॉज करता है। हाँ ये पूछ सकते हैं कि जेंथोमनास करता है, ठीक है। और अगर अब ये क्वेश्चन अगर उन्होंने पूछ लिया ब्लैक रोट क्रूसीफर, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ब्लैक रोट कौन करता था। वहां पे बैक्टीरिया याद रखना है कि बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। अब सिट्रस कैंकर में भी बैक्टीरिया ही है जो मेन जेंथोमनास है जो इसको कर रहा है। उसके बाद ब्लैक आर्म डिजीज, तो ये चारों को आपको अच्छी तरह से रट लेना है, इससे इसको रटना ही पड़ेगा अच्छे से, अदरवाइज आपको एग्जाम में आप गलत टिक करके आओगे। अब नेक्स्ट हम फिफ्थ, सिक्स एंड टेंथ तक हम ये सब डिसीजेस करनी है। अब दो जेंथोमनास और है। अब यहाँ पे देखो, एक है वेसिकटोरिया, दैट इज कॉजिंग लीफ स्पॉट इन चिल्ली, और रेड स्ट्राइप इन शुगर केन अगर आता है तो दैट इज रुबलेनेंसिस, उसके पीछे ये पड़ता है। तो दो सिक्स जेंथोमनास के हमने वो पढ़े हैं, तो ये अच्छे से याद कर लो। अब न्यू आ गया, दैट इज सूडोमनास, ठीक है। तो इसमें सूडोमोनास ये रिंग डिसीजेस कॉज करता है पोटैटो में। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि रिंग डिसीजेस इन पोटैटोज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर क्या। अब बच्चा कई बार फंजाई भी सोच लेता है रिंग डिसीजेस से, ठीक है। तो रिंग डिसीजेस जो होती हैं दैट इज कॉज्ड बाय इन पोटैटो इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। उसके बाद आता है द फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। ये तो काफी यार इजी क्वेश्चन, अगर पेपर बना ना तो ये क्वेश्चन आएंगे, रवीनिया वाला, प्रोटोवेरा और अमाइलिवोरा वाला। तो ये आपको याद रखना है, जो अमाइलिवोरा है वो एप्पल एंड पियर में फायर ब्लाइट को कॉज करता है, और जो क्रोटोवेरा है दैट इज कॉजिंग सॉफ्ट रोट ऑफ कैरेट, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद आता है स्कैब डिजीज, ये तो इसका तो नाम ही डिफरेंस है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज, और ये तो काफी फेमस है, और ये तीनों तो बच्चे को वैसे अगर किसी ने एग्रीकल्चर पढ़ी है उसको वैसे ही रट जाते हैं, बिकॉज ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नॉर्मली भी हमारे क्लासेस में काफी ज्यादा इनको पूछा पुटअप किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब
और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब मैं बात करने जा रही हूँ, दैट इज अबाउट ग्रीनिंग डिसीज ऑफ सिट्रस। तो ग्रीनिंग डिसीज ऑफ सिट्रस का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एक बैक्टीरिया है, और ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। हमने सारी बैक्टीरियल डिसीज कर ली, और इसको भी याद कर लो, और दैट इज बाय कैंडिडेटस लिब्रोबैक्टर, एंड द वैक्टर इज सिलिड्स। सो ये क्वेश्चन पहले क्या था, ये माइकोप्लाज्मा डिसीज मानी जाती थी, लेकिन ये बैक्टीरियल डिसीज है। अब ये चीज़ को करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिट्रस का इन्होंने मेंशन कर रखा है, दैट इसमें मेंशन कर रखा है माइकोप्लाज्मा में, बट दिस इज रॉन्ग। अब आपको याद रखना है दैट कि ये जो है वो एक बैक्टीरियल डिसीज है। और जो येलो ड्वार्फ डिसीज है दैट इज, ठीक है, माइको जो है दैट इज इन राइस इज ड्यू टू माइकोप्लाज्मा, और जो फिलोडी हो रही है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू माइकोप्लाज्मा लिटल लीफ। और नाउ आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, दैट ये लिटल लीफ वाला क्वेश्चन जो था वो AFO 2023 में आया था, मैंने खुद एग्जाम दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया था लिटल लीफ। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और ग्रीनिंग डिसीज का मैंने आपको बता दिया ये गलत है। ग्रासी शूट इन शुगर केन इज ड्यू टू माइकोप्लाज्मा, एंड पर्पल टॉप इन पटेटो इज ड्यू टू, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू माइकोप्लाज्मा। एंड ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से टेबल को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके वैक्टर्स को याद करेंगे सबके, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव। सो नाउ हमने वो सब पढ़ लिया था, अब वेक्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब देखिएगा ज़्यादातर जो वेक्टर है वो देखिए ग्रीन लीफ होपर, ये इसमें ग्रीन लीफ होपर, लीफ होपर, लीफ होपर, ठीक है। तो सब में क्या है कि लीफ होपर वेक्टर है, लेकिन वन इज एक्सेप्शन, दैट इज एफिड, और ये किस में है, दैट इज इन ग्रासी शूट डिसीज ऑफ शुगर केन। सो नाउ खुद समझदार हो कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, सो अब लिटिल लीफ को लीफ ओपर कर रहा है तो कौन सा है, नाम याद कर लो, ठीक है, दैट इज सिस्टियस फाइकेटस, ठीक है। और जो अपना ये वाला है सिसेम, दैट इज फिलोडियन सिसेम बाय ओरियस एल्बिगनेटस। उसके बाद ग्रीन लीफ ओपर का नाम, ठीक है, ये क्या है, नेफोटेक्टिस वायरस, दैट इज येलो ड्वार्फ डिसीज, एंड जेसिस इंडिकस सैंडल में होता है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, बट जो मेन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ग्रासी शूट वाला। ओके, लिटिल लीफ कौन करता है, माइकोप्लाज्मा, याद रखना, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अब आती है वायरल डिसीजेस। तो वायरल डिसीजेस के अगेन आपको जो है वो याद रखनी है, वीट में मोज़ेक स्ट्रीक होती है, दैट इज वायरल डिसीज, ठीक है। मेज में मोज़ेक होती है, दैट इज वेन एनेशन होती है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द वायरल। उसके बाद बार्ले में मोज़ेक हो जाती है, बाजरा में मोज़ेक होती है, येलोइंग इज ड्यू टू, इन ज्वार इज ड्यू टू वायरल, वायरस ओनली। और इसके भी हम वो सब पढ़ेंगे वेक्टर्स वगैरह आगे, ठीक है, इसका भी मैं टेबल बना दूंगी। देन राइस में टुंगरो डिजीज एंड ग्रासी स्टंट, ये तो आपको कमेंट करना चाहिए आई थिंक सो, बिकॉज मैंने, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है ना, इन दोनों डिसीज की मैंने इतनी ज़्यादा बार बात कर रखी है दैट एंटोमोलॉजी वाली वीडियोज में 3-4 बार बता दिया, और अभी आपको 4th-5th टाइम बता रही हूँ। तो मतलब ये दोनों डिसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिटून स्टंटिंग आ गई शुगर केन की अभी, ठीक है, इसको याद रखना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब रिटून स्टंटिंग इज ए वायरल डिसीज, ठीक है, लेकिन ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन इज अ माइकोप्लाज्मा डिसीज। तो यहाँ पे सबसे पहली कंफ्यूजन आ सकती है, ठीक है, वहाँ पे जाके एग्जाम में हमारा दिमाग बिल्कुल बंद होता है, ठीक है, हम वी नो एग्जाम में जाके क्या होता है। सो या इस चीज को पहले ही प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा दैट शुगर केन आ रहा है, ठीक है जी, लेकिन रिटून आ रहा है अगर, तो जी वो वायरल है। अगर वो हमारा ग्रासी शूट आ रहा है तो दैट इज अ माइकोप्लाज्मा, और वो एफिड्स उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए। पोटैटो का अगर जी हमारे पास लीफ पर्पल लीफ टॉप, जो पर्पल टॉप रोल हो रहा है, तो दैट इज ड्यू टू पोटैटो, दैट इज ड्यू टू माइकोप्लाज्मा। बट अगर पोटैटो में नेक्रोसिस हो रही है, दैट इज ड्यू टू वायरल डिसीज, वायरस की वजह से हो रही है। सो ऐसी चीजें आपको दिमाग में जो है वो पहले कंपैरिजन लेके चलना पड़ेगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोग्रामा में आप कंफ्यूज हो सकते हो, सो यहाँ पे आपके मार्क्स लूज होते हैं, इसी चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। चलिए अब टोमेटो में लीफ कर्ल,
ठीक है, लीफ कर्ल तो आपको पता है, लीफ कर्ल इज ड्यू टू वायरस, टोमेटो चिल्ली कहाँ पे भी हो जाए। उसके बाद आ गया येलो वेन मोज़ेक इन भिंडी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। उसके बाद आती है येलो ड्वार्फ ऑफ अनियन, दैट इज ड्यू टू वायरस, लेकिन अभी हमने एक पढ़ा था येलो ड्वार्फ ऑफ राइस, वो क्या था, माइकोप्लाज्मा। ऐसे कंपेरिजन आपको होने चाहिए। अब उर्द में लीफ क्रिंकल, स्टरलिटी मोज़ेक, ठीक है, और ये जो है दैट इज ड्यू टू पिजन बी। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे थे दिस क्लम्प डिसीज भी आ सकता है, और बंची टॉप, अगेन बंची टॉप इज ड्यू टू दिस बंची टॉप, ट्रिस्टीजा इन सिट्रस दैट इज ऑल्सो वायरल, ठीक है, और डिस्टोर्शन रिंग स्पॉट और मोज़ेक लीफ कर्ल इन इन पपाया दैट इज ऑल्सो ड्यू टू वायरस, ठीक है। तो अभी वेक्टर्स का ना मैं एक स्लाइड आपको पुटअप करूंगी, जो स्लाइड मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में दिखा रखी है, सेम स्लाइड उठा के लेके आऊंगी, और आपको अच्छे से तब पता चलेगा कि मैंने वो चीज़ें भी कवर करवा रखी हैं एंटोमोलॉजी की वीडियो में, ठीक है। वो बहुत ही अच्छी सीरीज बनी है, आई पर्सनली बिलीव दैट, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो एंटोमोलॉजी की मैंने प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं, एंड दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर कवर करे हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव। तो यहाँ पे जितनी भी वायरल डिजीज हैं उसके वेक्टर्स जो हैं उसको कवर करेंगे, और ये मैंने पहले की स्लाइड्स ही हैं वही उठा रखी हैं अपनी पुरानी वीडियो से। एंड मैंने एरिकनीडा में आपको वायरल डिजीज थ्री बता रखी थी, और पहले हम चलो एरिकनीडा वाली कर लेते हैं। जो एरिकनीडा है उसमें जितने भी ये माइट्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है ना उसमें माइट, स्पाइडर्स, ये सब कुछ आता है। तो एरिफाइड माइट जो है दैट कॉजेज वीट स्ट्रीक, ठीक है, मोज़ेक करता है, वीट स्ट्रीक मोज़ेक करता है, और ये वायरल डिसीज है। पिजन पी में स्टरलिटी मोज़ेक, वो भी एक वायरल डिसीज है जिसका वेक्टर एरिफाइड माइट है, दैट इज एसेरिया क्रेसिवोरा, ठीक है। सो एसेरिया क्रेसिवोरा को और भी तीन चार चीजें हैं, ये देखिए यहाँ पे भी मैंशनड है, ठीक है। सो ये वाला जो वेक्टर है ना वो ग्राउंडनट रोजेट के लिए भी है, काउपी मोज़ेक के लिए भी है, पपाया मोज़ेक के लिए भी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं मैंगो मॉलफॉर्मेशन, जो कि एक बर्ड माइट जो है इसको वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है, एंड इसका नाम है सरिया मैंजिफेरी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद हो गई। अब आपको मैं एफिड्स, ज़्यादातर जो है ना एफिड्स हैं वो जो इसके वेक्टर्स होते हैं। अब क्रेसिवोरा के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है, एक तो ग्राउंडनट में रोजेट जो है ना दैट इज बाय एफिड, एफिड क्रेसिवोरा, एंड काउपी में मोज़ेक भी एफिड क्रेसिवोरा, और पपाया में मोज़ेक ऑल्सो एफिड क्रेसिवोरा करता है, ठीक है, आपको पता चल गया ये चीज़। अब आपको ये चीज़ मैंने कंपैरिजन बता दिया कि जो पिजन पी का स्टरलिटी मोज़ेक है वो भी एफिड क्रेसिफोरा था, और ये तीन चार सारे ही ये एफिड क्रेसिफोरा जो है वो इसका वेक्टर है। अब आपको पेंटोलोनिया का बताती हूँ, नेग्रोवोजा, नेग्रो नर्वोजा पेंटोलोनिया एफिड, ये वेक्टर है। एक तो बनाना बंची टॉप का, एक है कार्डेमम कैटे और फूर के डिसीज का, ठीक है, इसको आपको जो है वो अच्छे से याद करना है। अब आपको बताती हूँ जो एफिड है, देखिए सबके एफिड ही वेक्टर हैं, लेकिन एफिड के आगे जो स्पीसीज हैं वो अलग अलग हैं, तो आपको वो चीज़ याद रखनी है। जैसे सिट्रस ट्रिटीजा का जो वेक्टर है दैट इज टॉक्सोटेरा ओरिएंटाई, ठीक है, इसको याद रखना है। अब माइजस पर्सी की पोटैटो लीफ रोल, ठीक है, ठीक है, पर अब आपको दो थोड़ा सा कंपैरिजन याद रखना है। अब जैसे पोटैटो लीफ रोल है वो एक वायरल डिसीज है, एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, और उसका एफिड जो वेक्टर है वो माइजस पर्सिकी है, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अब मैंने आपको, अब आपका क्वेश्चन ये है, जैसे आपको पिछली बार मैंने बताया था दैट द पर्पल टॉप रोल इन पोटैटो दैट इज अ माइकोप्लाज्मा डिसीज, बट पोटैटो लीफ रोल इज बाय एफिड, वेक्टर एफिड, और डिसीज इज वायरल, ठीक है। एंड अब आपको देखना है जैसे मोज़ेक, जितने भी मोज़ेक है ना वो ज़्यादातर क्या है, ये वायरस ही करते हैं, और इनके जो वेक्टर होते हैं दैट इज ऑल्सो वाइट फ्लाई, तो बमीजिया टबेकाए, ठीक है, लीफ कर्ल ऑफ चिल्ली, और ओकरा येलो चिल्ली मोज़ेक, ये सब कुछ देख लेना। टमाटो और कॉटन में जितनी भी ये फैमिली होती है ना, ओकरा चिल्ली वाली, टमाटो कॉटन जितनी भी है, इसमें ज़्यादातर वाइट फ्लाई जो है वही मेन वेक्टर होती है अबाउट मोज़ेक का, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपको जो इम्पोर्टेंट बात बतानी है, अब अगर बर्ड नेक्रोसिस इन ग्राउंड नट क्वेश्चन आ जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये वाला,
वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ब्लड निक्रोसिस आ जाए इन ग्राउंड नट में तो वो थ्रिप्स हैं जो उसको ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड नट में रोजेट आ जाए तो दैट इज एफिड। सो आपको ऐसे याद करना है रिलेट करके, ठीक है? सो एफिड इज अ वेक्टर इफ ग्राउंड नट रोजेट इज देयर, एंड ब्लड निक्रोसिस अगर हो रही है ग्राउंड नट में दैट इज थ्रिप्स इज द वेक्टर, और उसका नाम देख लेना फ्रेंकिनेला, ठीक है? और अगर मोज़ेक मेज में हो तो सोरगम बग इज द वेक्टर, ठीक है? सोरगम बग जिसका नाम, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेडिस लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे मेडिस लिख लेना, ठीक है? आई एम सो सॉरी, ठीक है? यहाँ पे MAIDIS, ठीक है, ये लिख लेना, सॉरी, ठीक है? सो मोज़ेक इन अगर मेज आ जाए दैट इज सोरगम बग, ठीक है? अगर वही मोज़ेक इन स्ट्रीक मोज़ेक इन वीट आ जाए दैट इज एरिफिड माइट और असरिया ट्यूलिपे। तो ये आपको कंपैरिजन याद रखना है। अब राइस में कंपैरिजन आपको याद रखना है, जैसे टुंग्रो डिसीज अगर राइस में हो रही है दैट इज अ ग्रीन लीफ होपर और जिसका नाम नेफ्रोटेटिक्स वायरन्स है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी एक एंटोमोलॉजी की पुरानी वीडियो में बता रखा दोनों में, लेकिन अभी कंपैरिजन अच्छे से बता रही हूँ कि आपको याद रहे। अगर ब्राउन प्लांट होपर है वो ग्रासी स्टंट, ठीक है, तो वो नील पर्वता ल्यूगन्स होता है उसका नाम। सो ये कंपैरिजन आपको याद रखना है, ठीक है? कंपैरिजन बता दिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया जैसे बर्ड नेक्रोसिस इन ग्राउंड नट एंड ग्राउंड नट रोजेट दैट इज बाय एफिड एंड दिस इज बाय थ्रिप्स, इस कंपैरिजन को याद रखना है। अब मेज में मोज़ेक को सोरगम बग करता है, लेकिन वीट की में स्ट्रीक मोज़ेक को कौन करता है? एफिड माइट, इस चीज को याद रखना है। इसमें एसेरिया क्रेसिफोरा था पिजन पी में स्टेरिलिटी मोज़ेक, लेकिन एफिस क्रेसिफोरा सब में है, ग्राउंड नट रोजेट में भी है, काउपी मोज़ेक में भी है, पैटाटा मोज़ेक में भी है। तो ये ऐसे कंपैरिजन जो है आपको याद रखने हैं, तभी आपका एग्जाम अच्छे से हो पाएगा। और ये पोटैटो लीफ रोल का मैंने आपको पहले भी बता दिया, अब फिर से बता रही हूँ, लीफ रोल और जो पर्पल टॉप रोल जो भी था वो, ठीक है, वो माइकोप्लाज्मा था, उसको भी याद रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे नेमाटोड्स की डिसीजेस की, और ये डिसीजेस ज़्यादातर बच्चे स्किप करके जाते हैं बिकॉज वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते इसको, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ गया था ये वाला लास्ट ईयर AFO में। तो AFO में क्वेश्चन इस तरह का आया, तो हो सकता है इस बार फिर से वो लोग जो हैं वो इसी टॉपिक को टच करें, या फिर मतलब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो उफरा डिसीज उन्होंने पूछा था कि ये कौन कॉज करता है, तो आंसर था नेमाटोड कॉज करते हैं। तो यहाँ पे डिक्टे सॉरी डाइटिलेनकस एंगुस्टस, ठीक है, तो ये कॉज करता है। अब अगर ईयर कॉकल आ जाए तो ग्विना ट्रिटिकाई, वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ जाए। ओके, सो उसके बाद आता है बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट ये वाले नहीं है, 3, 4, 5 वाला, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद आता है रूट नोट डिसीज, जो रूट कॉल्स होते हैं उसका होस्ट प्लांट कॉफी होता है, और कौन सा है? मेलाइडोगेनी एग्जिक्यूआ, दैट इज रूट नोट डिसीज और रूट कॉल। ओके, उसके बाद आते हैं बरोइंग नेमाटोड, बरोइंग जो होते हैं वो बनाना में, राइस में और सिट्रस में होते हैं, दैट इज रोडोल्फस सिमिलस। उसके बाद आते हैं द गोल्डन नेमाटोड, ठीक है, गोल्डन नेमाटोड इज हेटरोडोरा, ठीक है, तो हेटरोडोरा में पोटैटो ब्रिंजल शुगर केट और बीट में होते हैं। उसके बाद आती है रूट लेजन डिसीज, ठीक है, तो दैट इज बाय प्रेटिलेंकस स्पीसीज, ठीक है। सो ये जो था ये आपको इम्पोर्टेंट है, जो याद रखना है, उफरा डिसीज आ चुकी है तो आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना कि हम नेमाटोड नहीं करेंगे, तो नेमाटोड से ही क्वेश्चन आ गया था लास्ट ईयर। चलिए तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेकिन प्लीज अभी स्किप मत करना, मेरी बात सुन के जाना कि अगर आपको यार ये वीडियो ना थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, जैसे आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है आपको लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई फायदा होगा इसका, और मैं अच्छा आपके लिए परफॉर्म कर पा रही हूँ, सो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज इसको शेयर भी जरूर करना, ठीक है? मैं नॉर्मली ये बातें नहीं कह रही हूँ, बट इसको बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है, सो आई थिंक अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सो दैट आई गेट मोटिवेशन एक्चुअली, इफ अगर आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दोगे तो मैं बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करूंगी आगे इन फ्यूचर में भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।